चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी अभिनीत भोजपुरी मूवी नागदेव छठ पूजा के मौके पर रिलीज होना था, लेकिन छठ पूजा के दो दिन के बाद फिल्म को रिलीज किया गया और फिल्म रिलीज होते ही बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है। जी हां, आपको बता दें कि नागदेव बिहार और झारखंड में करीब 50 से ज्यादा सेंटर पर फिल्म को रिलीज किया गया और सभी सेंटर पर फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। यानी कि नागदेव में खेसारी लाल यादव का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे फिल्म ने अब तक का कलेक्शन क्या किया होगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक नागदेव के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली कलेक्शन डेटा शेयर नहीं किया गया है। यह मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है कि फिल्म नागदेव ने पहले दिन करीब 6 लाख से ऊपर का बिजनेस किया, तो वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने 6 लाख से ऊपर का बिजनेस किया और संडे के दिन फिल्म नागदेव में थोड़ी सी और बढ़ोतरी हुई और करीब 8 लाख से ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो नागदेव ने 3 दिन में 20 लाख के आसपास बिजनेस किया है। आपको बता दें कि यह ऑफिशियली डेटा नहीं है। वैसे आपको बता दें कि नागदेव में खेसारी लाल यादव नाग की भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो वहीं काजल राघवानी नागिन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नागदेव नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर नागदेव जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का नाग नागिन का अवतार कैसा लगा।